छात्रों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने हेतु महाराष्ट्र में मिड डे मील योजना के तहत सप्ताह में एक बार उबला अंडा, अंडा पुलाव या अंडा बिरयानी परोसी जाएगी, जबकि शाकाहारी छात्रों को केला व अन्य फल दिया जाएगा। दीपावली के बाद या अगले सत्र से जल्द यह निर्णय लागू किया जाएगा। मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। छात्रों को स्कूलों की तरफ आकर्षित करने तथा उन्हें स्कूल में रोके रखने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई, जिसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। अब महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत अंडा व केला भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में अब चावल व दाल से बनी खिचड़ी के अलावा छात्रों को सप्ताह में एक बार बुधवार शुक्रवार को उबले अंडे या अंडा पुलाव या अंडा बिरयानी भी परोसी जाएगी। वहीं शाकाहारी छात्रों को उस दिन केला या अन्य फल दिया जाएगा। शालेय छात्रों को मिड डे मील में अंडा व फल उपलब्ध कराने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। इस योजना के तहत जहां छात्रों को प्रोटीन उपलब्ध होगा, वहीं अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन केंद्र व किसानों को भी बढ़ावा मिल सकता है। दीपावली के बाद जल्द यह निर्णय लागू किया जा सकता है। One India, one gold rate. Here I am, Malabar.